क्या है ना? रेड मकाओ, रेड मकाओ, थोड़ा सा पीछे कर लें, रेड मकाओ। और ये देखें जी, माशाल्लाह खूबसूरती, अल्लाह ताला की कुदरत। ये भी पकड़ लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है जी ब्लू एंड येलो मकाओ, इसको मकाओ बोलते हैं। और ये यहाँ का स्पेशल ब्रेड है। तो और भी है यहाँ पे, मुझे तो यही अच्छा लगा, प्यारा लगा। ये जी यहाँ पे कभी गांव हुआ करता था तो उसकी एक निशानी रह गई है इधर, ये खम्बा। ये देखें, पानी के कम से कम 50 से 60 फुट नीचे है ये। तो ये देखें, अभी भी ये निशानी इधर मौजूद है। कोई मछली इधर से चोरी ना करे। अच्छा, ये भी सीन होता है, बहुत होते हैं चोरी। पहुंच गए हैं इस्लामाबाद, अब हमें बैरिया टाउन जाना है आगे। तो बैरिया टाउन की गाड़ी पता करके आगे से, तो मिलते हैं बैरिया टाउन। ये जी मुसलसल चलने के बाद अब हम आगे जूस पी लें, नाश्ता भी कर लिए। तो आगे का प्लान हम सोचते हैं क्या, पहले काम है वो निपटाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे मरीज को भी आपको वादियाँ दिखाएंगे, वहाँ पे कुछ कवार जगह दिखाएंगे आपको। तो बने रहिए हमारे साथ, तो मिलते हैं आगे इंशाल्लाह। मरीज जाता हूँ, मरीज आगे वहाँ पे आओ, फिर वीडियो ऑन करता हूँ आपको, भाई फिर दिखाई देगा। और भाई आपको आजकल दिखाई देगा हर जगह पे, क्योंकि भाई ने स्टैंड ले लिया बाहर जाने का, तो आप स्टैंड पक्का ही ले रहा है। तो चलें वहाँ पे मिलते हैं। ये जी हम रावल डैम पहुंच तो गए हैं, पर यहाँ पे हमें पता नहीं है कि एंट्री पॉइंट कौन सा है। वो थोड़े से बंदे बैठे हैं, क्या है ये, तो नेवी वाले हैं वो बंदे, कुछ बैठे हैं, मैं वहाँ पे जा भी नहीं सकते। इनसे पूछ लेते हैं, इनसे पूछ के आऊँ। जी यहाँ पे ये मॉल है और अपना रावल डैम, ये देखें थोड़ा सा नज़र आ रहा है, अभी अंदर जाएंगे चेक करेंगे। मेरे तो एक्साइटमेंट भी है, आज करते हैं।
वाह भैया ये मछलियाँ लेके आ रहे हैं भैया, अभी पकड़ी है ताजी है। ये देखो जी मछलियाँ, ऐसा मॉल में बचपन से देखना ज्यादा डिस्कवरी में देखा था कभी, ये वाला मॉल आज रियली देख रहा हूँ। आज तो मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं संभाला जा रहा, बस मछली पकड़ोगे या बस है नहीं अभी पकड़ोगे? अभी लेके अच्छा इधर हमें व्यू पॉइंट देखना हो तो ले चलेंगे आप। ये जी हम जा रहे हैं आइलैंड पे, आइलैंड का व्यू करेंगे। और ये मेरा बचपन का शौक है, ये जी लाहौर के बंदे अपने, तो यहाँ पे किसी ने आना हो तो क्या क्या सीन है, क्या लोकेशन है इधर? इधर इस जगह पे आना हो तो बात आ गया है, रावल डैम है। रावल डैम ये अच्छा, रावल डैम के बारे में कुछ बताओ तो सही। ये देखो जी ये पार्क है, ये अच्छा पॉइंट है, इधर लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए, सैर करने आते हैं इस जगह। तो इधर हम भी किश्ती चलाते थे पहले, अभी जो बंद हुई है। ये भाई आ रहा सामने बोट पे, ये ड्यूटी वाले हैं। ये जी बोट है, ये किस चीज की ड्यूटी करते हैं? ये मछली का ठेका हुआ हुआ है ना इस डैम का, मछली पकड़ते हैं ये, 3 साल का ठेका हुआ है, ये ड्यूटी करते हैं। ये इधर गाँव होता था पहले, ये डैम बन गया इधर आगे, उस डैम के अंदर उधर कब्रिस्तान भी है डैम के अंदर। थोड़ा सा और पानी कम होता है ना उस जगह, तो उस जगह से कब्रें निकलती हैं उस जगह। ये जी कह रहे हैं कि थोड़ा सा पानी कम होता है तो इस जगह पे, बिल्कुल इस जगह पे इसे और बड़ी माम से पानी इधर इंटर होता है, जो बारिशें होती हैं ऐसे भी मरी से पानी इधर आता रहता है। सही नहीं, इधर से रोड आता है इधर, मतलब जब पानी सूखता है तो नजर आता है उधर से रोड आता है, आगे पानी गहरा आ जाता है। अच्छा उधर भी बोर्ड लेके जा सकते हो मगर कभी कभार ऐसा मसला हुआ कि बोट उलट गई हो? नहीं हुआ तो नहीं है, लेकिन तूफान आए ज्यादा तो फिर मसला बन जाता है। तो ये कितना गहरा होगा? ये कोई 40-50 फुट तक है। ओए होए होए होए, मुझे डर और लगने लग पड़ा, यकीन मानो यार मुझे तो किनारे तक पहुँचा दो। अरे एक बार उलट जाए, जिसको नहीं तैरना होता वो गया। आपको तैरना आता है? इसका मतलब ये उलट गया तो आप तो किनारे पे पहुंच जाओगे मैं उधर ही रह जाऊंगा। या उसके अंदर ऐसा भी हुनर है कि आपके साथ वाला बंदा भी आप किनारे पहुंचा देते हो? डूब जाए तो किश्ती को नहीं छोड़ना चाहिए, किश्ती नीचे नहीं जाती है। अच्छा किश्ती नीचे नहीं जाएगी, किश्ती को नहीं छोड़ना, किश्ती को पकड़े रखो, किश्ती को पकड़ के रखना जितनी मर्जी लहर हो। अच्छा आगे वो सामने डैम की स्पिल भी है, स्पिल मतलब जहाँ पे पानी छोड़ते हैं जी, वो साइड यहाँ से नजर आएगा यहाँ पे जी स्पिल है, ये मुझे नजर तो आ रहा है। तो वो सामने हाँ ये कैमरे में अगर नजर, वाह भाई नजर आ रहे हैं कैमरे में यार। ये देखो ये जी स्पिल्स हैं जिसमें पानी छोड़ते हैं, या कब छोड़ते हैं? अभी छोड़ा हुआ है, जब पानी आता है ना बारिशें वगैरह होती हैं ज्यादा पानी आ जाता है फिर आस्ता-आस्ता करके नीचे छोड़ते हैं। अच्छा ये क्या चीज मरी पड़ी है? ये जब पानी आता है ना तेज, हाँ पीछे से नाले चलते हैं लोगों का, ये माल वगैरह होता है, पानी आता है बहुत स्पीड से जैसे दरिया में पानी आता है एकदम, इस तरह फिर चीजें लुट के आ जाती हैं जानवर। नहीं इधर जानवर वगैरह भी है कोई? इधर नहीं, हमें अभी कुछ दोगे नहीं?
मछली मछली उधर है ना भाई, ये क्या उधर कितने की वो उधर रेट लगा होता कोई सुने तो, ये डैम की ताज़ा मछली मिलती है ना, इधर फार्मी मछली नहीं आती है ताज़ा मछली, कितने की कम से कम मिल जाती है? रेट मुख्तलिफ रेट हैं, जिस तरह की मछली है कोई है 700 है, कोई 1200 है, कोई 800 है, इस तरह 500 है, इस तरह मुख्तलिफ। ऐसी काफ़ी निशानियाँ इधर जो मौजूद है अभी तक। तो यहाँ पे ना कभी गांव हुआ करता था, तो ये अब ये बन गया है अपना डैम बन गया है। तो ये डैम बनाया गया, तोड़ के बनाया गया या पानी आ गया था? पानी आ गया, बन गया डैम। अच्छा, तो गांव तबाह हो गया था, खत्म हो गया था। लोग भी मरे हैं? लोग तो बेजर ही बात है, इतना सैलाब आया है गांव में तो लोग तो मरे होंगे। अच्छा, ये सैलाब का पानी है, सैलाब आया और डैम बन गया। ये जी यहाँ पे सैलाब आया था, कब आया था कोई पता है इन्फॉर्मेशन है? एक तो 2005 में भी सैलाब आया था मेरे ख्याल से। ये जी यहाँ का माहौल है, मौसम चेक करो माशाल्लाह, अल्लाह की कुदरत। जल्दी चले, लेक व्यू पार्क ना बंद हो जाए। नहीं होती कब तक? ये वीडियो कब लगेंगे? ये मैं जाके लगा दूंगा, आप इंशाल्लाह टॉप पे आओगे। यार आपने याद करा दिया, आपके साथ तस्वीर लेंगे। ये जी राइट होगी, ओके। अभी जा रहे हैं हम लेक व्यू पार्क की तरफ। भाई साहब आराम फरमा रहे हो, थक गए हो? ये जी भाई साहब थक गए हमारे भाई साहब, मछली पकड़ के लाए, एक थक गए। ये जी भाई का शुक्रिया, अल्लाह हाफिज भाई, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज भाई साहब। ये जी अब हम चलते हैं लेक व्यू। ये यकीन मानो मेरे जिंदगी का सबसे अहम ख्वाब पूरा हो गया, ऐसे समझ लो। अहम ख्वाब कैसे? कि मेरा शौक था, एक ट्रैवलिंग में एक शौक था कि मैं अपना इसका नाम क्या है इस पे जाऊंगा, कश्ती वगैरह पे जाऊंगा, सैर करूंगा अपना। भाई लेक व्यू जाने का रास्ता किधर से है? लेक व्यू जाने का रास्ता किधर से है?